नमस्ते, खाता बुक डेस्कटॉप पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको खाता बुक डेस्कटॉप के सारे फीचर्स, इनके उपयोग कैसे करते हैं ये बताऊंगी। साथ ही साथ दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। बिलिंग हो या अकाउंटिंग, खाता बुक डेस्कटॉप से आप कोई भी बिजनेस का काम चुटकियों में कर पाएंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ब्राउजर पे टाइप करें खाताबुक.com। फिर आप खाता बुक के वेलकम पेज के ऊपर वाले दाहिने साइड पर लॉगिन बटन पे क्लिक करें। अब एक लॉगिन पॉपअप आ जाएगा, इसमें अपना फोन नंबर टाइप करें, गेट ओटीपी पे क्लिक करें। आपके फोन पर ओटीपी आ गया होगा, उसे टाइप करें और कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब आपका खाता बुक डेस्कटॉप पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। चलिए देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करते हैं। बाईने तरफ की स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा नेविगेशन बार, यहाँ से आप सभी फीचर्स देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है आपका बिजनेस अकाउंट। अगर आपने अपना बिजनेस अकाउंट खाता बुक पे नहीं बनाया है तो यहाँ पे क्लिक करें और क्रिएट न्यू बुक से अपना बिजनेस का नाम मेंशन करें और क्रिएट बटन से बिजनेस अकाउंट बना लें। आप एक से अधिक बिजनेस भी जोड़ सकते हैं। उसके नीचे आपको तीन मेन टैब्स दिख जाएंगे और उनके ऑप्शंस। स्क्रीन के बीच में आपको कोई भी फीचर्स या टैब क्लिक करने पे उसके डिटेल्स दिख जाएंगे। स्क्रीन के दाहिने साइड पे किसी एंट्री या रिकॉर्ड पे क्लिक करने पे सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। ये खाता बुक डेस्कटॉप के मेन फीचर्स एक नज़र में। चलिए अब देखते हैं इनका उपयोग कैसे करते हैं। पार्टीज के फीचर से आप एक नज़र में सभी कस्टमर और सप्लायर की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना उधार वसूलना है और कितना पैसा बकाया है। चलिए देखते हैं कि पार्टीज फीचर को कैसे यूज करते हैं। नए या पुराने कस्टमर के ट्रांजैक्शन जोड़ने के लिए ऐड कस्टमर बटन पे क्लिक करें। अब कस्टमर का नाम, फोन नंबर, ओपनिंग बैलेंस, GST जैसे डिटेल्स ऐड करें। इस तरह आप अपने सभी कस्टमर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना कैश फ्लो आसानी से देख पाएंगे। अपने कस्टमर को आप फिल्टर यूज करते हुए भी ढूंढ सकते हैं। क्या आपके बिजनेस में आइटम का स्टॉक होता है? रखिए सप्लायर के पूरे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। अब देखते हैं सप्लायर को कैसे ऐड कर सकते हैं। नेविगेशन टैब में पार्टीज के अंदर सप्लायर टैब पर क्लिक करें। अब ऐड सप्लायर पे क्लिक करें और सप्लायर का नाम, फोन नंबर, ओपनिंग बैलेंस, GST जैसे डिटेल्स ऐड करें। अब आप सभी सप्लायर के ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हैं और आपको पेंडिंग ड्यूज और क्रेडिट आसानी से दिख भी जाएगा। अगर आपको पिछले महीने या कोई स्पेसिफिक टाइम के एंट्रीज देखने हो तो आप फिल्टर के साथ सर्च कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि नए एंट्रीज कैसे अपडेट करते हैं। सबसे पहले कस्टमर या सप्लायर पे क्लिक करें। अगर आपको पेमेंट मिला हो तो यू गॉट पे क्लिक करें। अगर आपको पेमेंट सेटल करना हो तो यू गेव पे क्लिक करें। फिर अमाउंट और पेमेंट आपको कब मिला है वो एंटर करें। आपको डिस्क्रिप्शन या बिल अटैच करना हो वो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद सेव ऑप्शन पे क्लिक करें। है ना एकदम आसान। आइटम्स, अपने बिजनेस की इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए खाता बुक डेस्कटॉप इस जिम्मेदारी को सिंपल कर देता है। स्टॉक लेवल को ट्रैक करें, ऑर्डर को प्रोसेस करें और अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। चलिए अब देखते हैं कि आप अपने बिजनेस के आइटम्स या सर्विस कैसे मैनेज कर सकते हैं। नेविगेशन टैब में मैनेज इन्वेंट्री के नीचे आइटम्स टैब पर क्लिक करें। क्लिक करने पे आपको स्क्रीन की ऊपर की तरफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स या सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करें। यहाँ आप प्रोडक्ट का नाम और उसका फोटो ऐड कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट के यूनिट सेलेक्ट करें। उसके बाद सेल्स और परचेज प्राइस ऐड करें। यहाँ पे आपको टैक्स इंक्लूड करना हो तो टॉगल ऑन रखें और अगर एक्सक्लूड रखना हो तो ऑफ रखें। फिर आपको मेंशन करना है उस प्रोडक्ट का ओपनिंग स्टॉक। जैसे उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम हो जाती है, लो स्टॉक में हम आपको अलर्ट कर पाएंगे।
तो लो स्टॉक के वैल्यू जरूर ऐड करिए। इसके बाद आप GST और HSN कोड ऐड कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद ऐड आइटम बटन क्लिक करें और सक्सेसफुली सेव करें। अब आप वो आइटम की पूरी जानकारी यहाँ देख सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में सर्विस का उपयोग होता है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सर्विसेज को कैसे ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर की तरफ सर्विस टैब पे क्लिक करें। अब ऐड सर्विस पे क्लिक करें और सर्विस का नाम और उसका फोटो ऐड कर सकते हैं। फिर सर्विस का नाम और यूनिट सेलेक्ट करें। उसके बाद सेल्स प्राइस ऐड करें। यहाँ पे आपको टैक्स इंक्लूड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आप GST और SSC कोड ऐड कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद ऐड सर्विस बटन पे क्लिक करें और सक्सेसफुली सेव करें। यहाँ आप सर्विस की पूरी जानकारी देख सकते हैं। अगर आप स्टॉक का मूवमेंट या फ्री क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो आप स्टॉक इन एंड स्टॉक आउट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आपको इस स्क्रीन पे टोटल स्टॉक वैल्यू और लो स्टॉक प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप आइटम्स को अलग से सर्च भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस, अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आसान बनाइए सेल्स और परचेज इनवॉइस के साथ। इनवॉइसेस जनरेट करें, पेमेंट रिसीव करें और अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैनेज करें। चलिए अब हम देखते हैं कि खाता बुक डेस्कटॉप पर सेल्स और परचेज ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्स इनवॉइस क्रिएट करने के लिए नेविगेशन बार पे सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ऐड सेल्स पे क्लिक करें। अगर आपको GST बिल्स चाहिए तो GST रजिस्टर्ड बिजनेस चुनिए या फिर सामान्य बिल्स के लिए नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST सेलेक्ट करें। नॉन GST बिल्स बनाने का सेम प्रोसेस है, बस आपको GST, HSN या SSC के फीचर्स छोड़ के सभी बिलिंग फीचर्स और ऑप्शंस मिल जाएंगे और फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। अब हम ऐड करेंगे पार्टी डिटेल्स। आप पार्टी को आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से चुन सकते हैं या उस पार्टी के सभी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। नई पार्टी को जोड़ने के लिए आप पार्टीज टैब से ऐड कस्टमर के ऑप्शन से ऐड करें। अब चलते हैं इनवॉइस डिटेल्स पर। यहाँ हम मेंशन करेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, आपके बिजनेस का GSTN नंबर और सिलेक्ट करें आपके स्टेट ऑफ सप्लाई। अगर आपने GST टैक्स इनवॉइस चुना है और आप इसे नॉन GST बिल में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे इस टॉगल बटन से आसानी से बदल सकते हैं। इसके बाद सेलेक्ट करें आइटम्स। यहाँ आप सेलेक्ट आइटम्स फ्रॉम इन्वेंट्री बटन पे क्लिक करें और ऐड करें आइटम्स अपने आइटम लिस्ट से। आप नए आइटम ऐड न्यू आइटम बटन से ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ आइटम्स को सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। आइटम सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ आइटम्स का सीरियल नंबर, HSN, क्वांटिटी, यूनिट जैसे जानकारी चेक कर सकते हैं। अगर इस इनवॉइस पे कोई एडिशनल चार्जेस जैसे डिलीवरी फ्री चार्जेस ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें और डिटेल्स ऐड करें। आपको राउंड ऑफ का ऑप्शन भी नीचे मिल जाएगा। अब मेंशन करें अगर ये इनवॉइस पेड है, ऑनलाइन है या कैश के थ्रू मिला है। नीचे से बाहिने तरफ अदर बिजनेस डिटेल्स जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस का पता या पर्सनल नोट्स जो सिर्फ आप देख सकते हो ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम क्रिएट सेल्स बटन पे क्लिक करके सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं। सेल्स इनवॉइस शेयर करने से पहले आप इनवॉइस का फॉर्मेट भी चुन सकते हैं। दाहिने साइड पे आपको ऑप्शन दिखेगा जिसमें आप कलर, डिजाइन और थर्मल प्रिंट बिल का फॉर्मेट भी चुन सकते हैं। इसके बाद आप इसे आसानी से प्रिंट, डाउनलोड या शेयर कर सकते हैं। नीचे आपको प्रिंट PDF का ऑप्शन मिलेगा जिससे आपके PC के कनेक्टेड प्रिंटर से डायरेक्टली इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं। फिर आते हैं शेयर इनवॉइस का ऑप्शन जिसमें आप मैसेज को भेजने से पहले एडिट कर सकते हैं और आसानी से भेज सकते हैं। यहाँ से आप WhatsApp या SMS का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्टली डाउनलोड PDF ऑप्शन से आप वो इनवॉइस स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर आपको पार्टी से पेमेंट मिला है तो
कैसे हम पेमेंट एंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेविगेशन बार से सेल्स टैब पर क्लिक करें, फिर मोर ऑप्शन पर क्लिक करके पेमेंट एंड ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको पेमेंट एंड स्क्रीन पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ रिसीप्ट नंबर एंड डेट मेंशन करने के बाद पार्टी सिलेक्ट करें, फिर रिसीव्ड अमाउंट मेंशन करें, इसके बाद पेमेंट मोड सिलेक्ट करें। एंटर करते हैं नोट्स और रेफरेंस नंबर। अब क्लिक करें इनवॉइस नंबर ऑप्शन पे, फिर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें वो इनवॉइस जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट सेटल करना चाहते हैं, फिर सेव पर क्लिक करें। इसी तरीके से आप पेमेंट आउट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि खाता बुक डेस्कटॉप पे परचेज इनवॉइस कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ऐड करें पार्टी डिटेल्स। आप पार्टी को अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर से चुन सकते हैं या उस पार्टी के सभी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। नई पार्टी को जोड़ने के लिए आप पार्टीज टैब से ऐड पार्टीज के ऑप्शन से ऐड करें। अब चलते हैं इनवॉइस डिटेल्स पर। यहाँ हम मेंशन करेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का दिन, आपके बिजनेस का GSTN नंबर और सेलेक्ट करें आपके स्टेट ऑफ सप्लाई। इसके बाद सेलेक्ट करें आइटम्स। यहाँ आप सेलेक्ट आइटम्स फ्रॉम इन्वेंट्री बटन पे क्लिक करें और ऐड करें आइटम्स आपके आइटम्स लिस्ट से। आप नए आइटम्स ऐड न्यू आइटम बटन से क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ आइटम्स को सर्च बार पर सर्च भी कर सकते हैं। आइटम सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। यहाँ आइटम्स का सीरियल नंबर, HSN, क्वांटिटी, यूनिट जैसे जानकारी चेक कर सकते हैं। अब मेंशन करें अगर ये इनवॉइस पेड है, ऑनलाइन है या कैश के थ्रू मिला है। राउंड ऑफ का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा। नीचे से बाहिने तरफ अदर बिजनेस डिटेल्स जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस, बिजनेस का पता या पर्सनल नोट्स जो सिर्फ आप देख सकते हो ऐड कर सकते हैं। अगर इस इनवॉइस पे कोई एडिशनल चार्जेस जैसे डिलीवरी फ्री ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें और डिटेल्स ऐड करें। चलिए अब हम क्रिएट परचेज बटन पे क्लिक करके परचेज इनवॉइस क्रिएट करते हैं। इस तरह आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करके परचेज, परचेज रिटर्न एंड पेमेंट आउट क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं कैशबुक की तरफ। कैशबुक एक फिनेंशियल जर्नल है जिसमें कैश रिसीप्ट, बैंक डिपॉजिट, डिसबर्सल्स और विड्रॉल जैसे एंट्रीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसे कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक भी कहा जा सकता है। चलिए पहले एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट कैश इन हैंड या बैंक में आ रहा हो तो इन ऑप्शन पे क्लिक करें। अगर अमाउंट कैश इन हैंड या बैंक से जा रहा हो तो आउट ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑप्शन क्लिक करने पे अमाउंट, डिस्क्रिप्शन, पेमेंट मोड और दिन मेंशन करें। अगर आप बिल अटैच करना चाहते हो तो क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करें और फोटो सेलेक्ट करें। डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। अब देखते हैं कि खाता बुक डेस्कटॉप पे रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रिपोर्ट से आप सभी डिटेल जानकारी देख सकते हैं। सबसे पहले नेविगेशन बार से रिपोर्ट्स टैब पे क्लिक करें। इस पेज पे आप देख पाएंगे सेल्स, परचेज, कैश बुक और GST रिपोर्ट्स। सेलेक्ट करें आवश्यक रिपोर्ट और PDF या एक्सेल में डाउनलोड करें। यहाँ आप कस्टमर, सप्लायर और सर्च फिल्टर्स लगाकर डिफरेंट वर्क के रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। अब चलते हैं फाइनल प्रोफाइल सेटिंग्स में। यहाँ आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे जो आप चेंज कर सकते हैं। बुक सेटिंग्स, अगर आप अपना खाता डिलीट करना चाहते हैं तो बुक सेटिंग्स में डिलीट बुक के ऑप्शन पर क्लिक करें। प्लान्स एंड बिलिंग, अगर आप एग्जिस्टिंग प्लान या इनवॉइस या बिल डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक करें प्लान्स एंड बिलिंग ऑप्शन। बैकअप इंफॉर्मेशन, अगर आपको लास्ट बैकअप का स्टेटस चेक करना हो तो बैकअप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करें। रिसाइकल डिलीटेड डेटा, अगर आप डिलीटेड डेटा एक्सेस करना चाहते हैं तो रिसाइकल बिन ऑप्शन पे क्लिक करें और डेटा रिकवर करें। हेल्प एंड सपोर्ट, हेल्प एंड सपोर्ट से होगी आपकी सहायता। हमारे एक्सपर्ट से बात करने के लिए यहाँ दिए गए नंबर पर डायल करें। लॉग आउट फ्रॉम खाता बुक, लॉग आउट बटन से आप अपने खाता बुक प्रोफाइल से
सेफली लॉग आउट कर सकते हैं। आपके वक्त के लिए शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि आपके बिजनेस को बहुत सफलता मिले।